ट्रांसफार्मर होल्डर आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने पहले अभी यूज करेंगे और दिखाएंगे इसको क्लीन कैसे करता है, क्योंकि बहुत लोग डर्मर होल्डर क्लीन करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि कैसे क्लीन करें इसको, गर्म पानी से धो या डेटोल से धो या कैसे क्लीन करें ना करें। मैं आप लोग देखें ना, सिंपल स्टेप होगा, आपको देख सकते हैं। पहले तो मैं डर्मर होल्डर को यूज करूंगा, पहले मैं इस तरह यूज कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं पहले डर्मर होल्डर कैसे यूज करता हूँ। आप लोग पहले भी मेरा एक वीडियो है डर्मर होल्डर कैसे मैं यूज करता हूँ, मगर मैं डर्मर होल्डर में ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं डर्मर होल्डर से उतना डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डर्मर होल्डर उतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ मैंने। तो आप लोग भी कम कर सकते हैं डर्मर होल्डर, हफ्ते में 2-3 दिन डर्मर होल्डर यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा मत यूज कीजिए। और देखिए अभी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाएंगे कि डर्मर होल्डर से कैसे क्लीन करता है डर्मर होल्डर को। ठीक है, इधर से बाल एकदम ही चला गया, तो इधर थोड़ा बहुत ज्यादा कर लेते हैं। इस तरह मेरा बाल बहुत ज्यादा खाली हो गया था, आप लोग समझ नहीं सकते, इधर से बहुत ज्यादा खाली हो गया था, मगर डर्मर होल्डर और नियो हेयर लोशन यूज करते करते मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। रिजल्ट वाला वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा मेरा पहले वाला कंडीशन और अभी वाला कंडीशन, और हो सके और पहले वाला वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए मैं अभी इसको दिखाएंगे कैसे क्लीन करना होता है डर्मर होल्डर। थोड़ा और एक मिनट हम कर सकते हैं, मगर नहीं किया, बस आपको दिखा देंगे। चलिए डर्मर होल्डर यूज करना हो गया, यूज कर लिया, अब इसको क्लीन करेंगे। देखिए मेरे पास है डेटॉल, आप सिंपल वे आप लोग क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको डेटॉल लेना पड़ेगा, इधर थोड़ा बहुत आप लोग डेटॉल ले सकते हैं, क्योंकि ये बोतल डेटॉल बहुत दिन चला जाएगा, क्योंकि आप डर्मर होल्डर को इस तरह ऊपर दे सकते हैं आपको। पूरा डर्मर होल्डर भीग गया एकदम डिटेल से, पूरा भीग गया, और इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए डर्मर होल्डर का जो भी बैक्टीरिया वगैरह है आप समझ सकते हैं वो मर गया पूरा। तो अब इसको हम क्लीन करेंगे इधर से, देखिए आप लोग देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया, इसमें जो भी जर्म वगैरह होगा वो क्लीन हो जाएगा। आप लोग गर्म पानी या कोई अल्कोहल वगैरह, बहुत लोग क्लीन करता है इसको, आप इस तरह मत कीजिए। आप लोग सिंपल वे में क्लीन कर सकते हैं, मैंने जैसे क्लीन किया आप लोग कर सकते हैं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप लोगों को भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।